वेलकम टू प्रो टिप्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टॉक स्पेसिफिक सिलेक्टिव बाइंग कर सकते हैं, सिलेक्टिव बाइंग करें 16,400-16,480 तक के लेवल्स पर अब नजरें बनी रहेंगी। मनीष, आपकी अप्रोच क्या रहेगी और क्या निफ्टी बैंक ज्यादा कॉन्फिडेंट है वर्सेस द निफ्टी? बेहतर ट्रेड आपके लिए इंडेक्स पर क्या रहेगा इस समय? जी, आज का मूवमेंट अगर आप देखें तो निफ्टी काफ़ी कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग लग रहा है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। और निफ्टी में मुझे लगता है, कल भी मैंने आपको बताया था, 15,800 काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। 16,300, 16,400, 16,300-16,400 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे। यहाँ से मुझे लगता है 16,500, 16,600, 400-500 पॉइंट की अपसाइड अभी भी ओपन है मार्केट में। 16,000 के ऊपर डेली चार्ट पे क्लोजिंग देना चाहिए। आज का क्लोजिंग व्यू अभी भी बुलिश है। ओके, तो बुलिश व्यू, तेजी की तरफ ट्रेड बना हुआ है। विभोर, आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस मार्केट में? मैम, जैसे हमने कल भी डिस्कस करा था, 15,800 का सपोर्ट नहीं छोड़ रहा, तो आज यहाँ पे निफ्टी ने पहला गैप जो था उसका 16,170 के आसपास वो फिल करना स्टार्ट कर दिया। मोस्ट प्रोबेबली ये जो सेकेंड गैप है इसके बाद है 16,600, वो भी शॉर्ट टर्म में गैप फिल होना हुआ दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली जो गैप्स बने थे, जो गैप डाउन्स हमने देखे थे बीते कुछ हफ्तों में, वो भरते हुए और अब ऊपर की तरफ रुझान बनता हुआ। अच्छा, विभोर का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आते हैं। विभोर इनफैक्ट एक लीडरशिप पोजीशन में है इस गेम शो में। वरॉक इंजीनियरिंग में अच्छे रिटर्न बने, कल शोभा था, रैडिको खैतान था, तीनों ही ट्रेड्स में कल विभोर ने प्रॉफिट बांध लिया डिसेंट लेवल्स पर। विभोर बताइए, आज का नया ट्रेड क्या रहेगा? मैम, जो आज का मैं फर्स्ट ट्रेड लूंगा वो रहेगा ऑयल इंडिया का। ऑयल इंडिया इस टाइम ट्रेड कर रहे 232 पर, एक रेंज बाउंड ब्रेकआउट आया है 4-5 दिन के बाद। स्टॉप लॉस रहेगा 226 के आसपास और टारगेट रखेंगे 251 का। टारगेट 251 का और स्टॉप लॉस 226। ऑयल इंडिया में एक तेजी का ट्रेड लेने की सलाह यहाँ पर इस समय बनती हुई दिखाई दे रही है। ये फिलहाल आपके लिए एक ट्रेड काउंटर, करीब 4.5% ऊपर है। एक नजर आपको कच्चे तेल पर भी रखनी चाहिए जब आप ऑयल इंडिया, ओएनजीसी जैसे ट्रेड्स में उतरते हैं, क्योंकि वो क्लियरली कोरिलेटेड है। कच्चे तेल में तेजी इन कंपनियों के लिए एक पॉजिटिव साबित होता है। $114 के आसपास ब्रेंट खड़ा है। ये है फिलहाल आपके लिए ताजा तस्वीर। चलिए अब अगला ट्रेड गौरव से पूछेंगे। गौरव का पोर्टफोलियो आपको दिखा देते हैं। एक तो बैंक ऑफ बड़ौदा में इन्होंने प्रॉफिट बुक किया है, हीरो मोटो कॉप में इन्होंने प्रॉफिट बांधा, गोदरेज प्रॉपर्टीज मेरे ख्याल में इनके पोर्टफोलियो में अभी भी है, करेक्ट? होल्ड कर रहे हैं ना गौरव उस ट्रेड को आप? यस, करेक्ट हर्षित जी। ये बताइए नया क्या जोड़ेंगे? जी, मेरा फर्स्ट पिक होगा LTI। बेसिकली अगर IT इंडेक्स की हम बात करें तो एक अच्छा खासा करेक्शन हमने देखा है पिछले 1.5 महीनों में और अब जाके IT स्टॉक संभल रहे हैं। सो स्पेसिफिकली LTI का स्ट्रक्चर अगर मैं देखता हूँ तो आर्ली चार्ट पे एक एंडिंग डायगनल पैटर्न बना था जिसमें से आज ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आया है। आर्ली मोमेंटम इंडिकेटर्स भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहे हैं और इनफैक्ट डेली मोमेंटम इंडिकेटर आज बुलिश क्रॉसओवर देने की तैयारी में है। सो एक अच्छा सेटअप है, रिस्क रिवॉर्ड भी काफी अच्छा है। सो नॉट ओनली शॉर्ट टर्म, अगर पोजिशनल ट्रेडर कोई है तो वो भी इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सेटअप है शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से। सो गेम शो के पर्सपेक्टिव से 4620 का टारगेट रहेगा